नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल होम गार्डन पे। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेरी थी बादाम के ऊपर, आलमंड पतली पत्ती वाला होता है कि चौड़ी पत्ती वाला होता है। सर, ये बादाम का प्लांट नहीं है, अक्सर कुछ लोग ऐसा कहते रहते। तो मैंने सोचा चलिए मैं आज आपको जो दोनों तरह के बादाम होते हैं वो दिखाई देता हूँ। तो ये बादाम नहीं है, ये तो अरहर है। अरहर की दाल आपने अगर खाई हो तो ये उसी का प्लांट है। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो का विचार, और वीडियो का विचार है दोस्तों कि कुछ समय हमें अपने परिवारिक जनों के लिए भी निकालना चाहिए। आज की ये भागदौड़ में सदैव बिजी ना रहें दोस्तों। जीवन में फैमिली सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चे हों, पत्नी हों, माता पिता हों या फ्रेंड्स, कोई भी आपके जो सर्कल में, उनके लिए थोड़ा सा समय निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम आज कैलिफोर्निया बादाम देखेंगे। अमेरिकन बादाम है ये, और ये एक बहुत बड़ा प्लांट है जो आप देख पा रहे हों। ये जो सफ़ेद कलर से ये मैंने चूने से पेंट कर दिया है, जिससे इसके ब्रांच पर चींटियाँ या जो और जो कीड़े होते हैं इसे ख़राब ना करें। तो मैं आपको बताऊं, ये कैलिफोर्निया बादाम है दोस्तों, प्लांट है कैलिफोर्निया क्वालिटी का। ये इसकी आप पत्तियां देख पा रहे हो, ये देखिए ये पत्तियां पतली होती हैं बिल्कुल। और जो इंडियन बादाम होता है उसकी पत्तियां कुछ चौड़ी होती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ये बादाम की क्वालिटी फेमस है। काफ़ी मीठा बादाम होता है और ये आता भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो अगर आप खेती के लिए बादाम लगाना चाह रहे हैं तो आप कैलिफोर्निया बादाम ही लगाएं। ये देखिए मैंने कुछ एयर लेयरिंग की हुई है। इसे कटिंग से ग्रो करना थोड़ा कठिन है, मैंने कोशिश की। तो मैं आपको बताऊं कि बरसात के समय इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो रही है, लेकिन सर्दियों में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये सीड से ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं, तो आप देखिए अच्छी तरीके से, और बहुत ही पौष्टिक फल होता है ये, और सर्दियों में तो काफ़ी खाया भी जाता है और काफ़ी कॉस्टली भी है। तो ये तो कैलिफोर्निया बादाम हो गया दोस्तों। और मैं आपको दिखाऊं कुछ, ये ग्राफ्टेड है। ये जो नीचे ब्रांच निकल रही हैं ये इसकी देसी जो बादाम है उसकी हैं। लेकिन मेरे पास एक प्लांट है, एक नहीं दो प्लांट अवेलेबल हैं देसी इंडियन बादाम के, तो वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये प्लांट मैंने अभी पिछले महीने ही लगाया है, और ये चौड़ी पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं। ये प्योर इंडियन है और यहाँ उत्तर प्रदेश में कायमगंज है जो काफ़ी फेमस है प्लांटिंग के लिए, नर्सरी के लिए, वहाँ से ये प्लांट मैंने मंगवाए। कुछ एक ही प्लांट मंगवाए थे मैंने दोस्तों, और अब मेरे पास कोई भी प्लांट शेष नहीं है। ये मैंने ज़मीन में लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं। ये चौड़ी पट्टी वाला जो इंडियन आलमंड है, बादाम है, इस पर जो बादाम आते हैं उनकी जो बनावट होती है वो छोटी होती है। आपने कभी मार्केट में कुछ कम सस्ते जो आलमंड देखे हो, जो सस्ते मिल जाते हैं, वो इन्हीं बादामों में के होते हैं। ये कड़वे भी हो सकते हैं और मिठास भी इनमें कम होता है, ऑयल भी इनमें कम निकलता है। और मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जो इंडियन बादाम है वो ऑयल के लिए यूज़ किए जाते हैं खाने की जगह, जैसे हम सिर में बालों में लगाने के लिए। ये मेरा एक और इंडियन बड़ा बादाम का प्लांट है, आप देखिए। और इसे मैंने अभी शिफ्ट किया, ये दूसरी जगह था पहले छाया में। ये दो वर्ष का पौधा है और अभी 4 से 5 दिन ही हुए हैं इसे मैंने फुल सनलाइट में शिफ्ट किया है, क्योंकि इसे 3 वर्ष में फल देने चाहिए थे और ये इस वर्ष फल देगा, तो धूप ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने पिछले जो अनुभव से सीखा वो ये है दोस्तों कि इंडियन बादाम को कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। तो आप ये देखिए,
तो आप अवांतर आसानी से देख सकते हैं। इसकी ब्रांच आप देखिए काफ़ी चौड़ी है, और जो कैलिफोर्निया बादाम था विदेशी उसकी आप ब्रांच देख ही चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है तो आपको दोनों तरह के जो बादाम हैं उनमें अंतर समझ में आ गया होगा। ये देखिए तो मैं एक पत्ती से कंपेयर भी कर देता हूँ आपको। ये मैंने इंडियन बादाम की पत्तियाँ तोड़ ली हैं, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ी लीफ है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों बादामों की पत्तियाँ अलग अलग रखी हैं। ये कैलिफोर्निया बादाम लंबी पत्ती वाला, ये कायमगंज सीड से उगाया हुआ है इंडियन बादाम, ये भी इंडियन बादाम है जो कटिंग से ग्रो हुआ है। तो आप ये तीनों पत्तियां देख लीजिए। तो जनरली आपको समझ में आ गया होगा कि जो बादाम के प्लांट होते हैं वे और भी क्वालिटी के हो सकते हैं। केवल आपने जो प्लांट देखा है या आपके यहाँ जो प्लांट है, केवल दुनिया में वैसे ही प्लांट नहीं होते। तो मेरे जो व्यूअर अक्सर कहते रहते हैं कि ये बादाम का प्लांट है या नहीं है, उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। और आपको अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।